तो फिर यहाँ पर सारी गायों को, घोड़ी को और ये हमारे चटाई को, सबको खुला किया है खेत में। तो फिर वो सब यहाँ पर कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ घास खा रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं अपने आप, तो ये सब कर रहे हैं सब लोग। आज धूप भी नहीं, आज ठंडी हवा चल रही है, ये अच्छी बात है। एक वो देखो सीधी, देखो अभी सब लोग मस्ती कर रहे हैं। तो अभी सब लोग खेत में घास खा रहे हैं, आज सब लोगों को एक साथ खेत में खुला किया है। अभी तोरी और चटाई को बांध दिया है क्योंकि उन्होंने खा लिया था और वापस घर पे चले आ रहे थे, तो इसलिए वापस बांध दिया। और वहाँ पे कृष्णा तिल खा रही है। कृष्णा यहाँ पर आई थी तिल देखने के लिए कैसे, तो तिल को अभी सुखाने यहाँ पर रखा है ताकि सूख जाए, उसके बाद हम निकाल लेंगे। वो देखो वो सब दौड़ रहे हैं। तो अभी खेत भी एकदम खुला है और गायों को कब से खुला नहीं किया था तो खेत में खुला कर दिया, तो जो भी उनको मस्ती करनी होगी वो भी कर लेंगे और थोड़ा सा खेल कूद भी कर लेंगे और खा भी लेंगे घास। तो अभी यहाँ पर सारी गायें घास खा रही है, अभी थोड़ी सी आगे आ चुकी है, वहाँ से गोपली भी आ रही है, गोपली घर पे थी तो अभी इन सबको देख के वो भी आ रही है। और मैं यहाँ पर आम की छाया में बैठा हूँ, वो देखो आई। तो यहाँ पे आम खाने का और आम को नीचे उतारने का दोनों का काम चल रहा है। यहाँ पे है पूजा, आम कलेक्शन का काम कर रही है, और यहाँ पे माँ है आम खाने का काम कर रही है। आम के ग्राहक तीन बड़े हैं, करण, पूजा और माँ। मैं भी खाता हूँ लेकिन इतनी नहीं। और इस बार ये सोनमाक जो हम कहते हैं वो ज़्यादा है। ये सारी थोड़ी सी पकने की शुरुआत हो जाती है और गिर जाती है नीचे, बिगड़ जाती है, ये इस साल ज़्यादा है। कितने का ये पूजा आत्मा? ये जो ऊपर है ये अपना अलग बीज आकर आते पर है क्यों थी? ऊपर है पर मारे ऊपर जाऊंगी। डायरी डायरी सड़ जा। आज की तो ना सड़ जा। देख ली डायरी चाय आगे सड़ जाए।
देसी हाफूस ये रही है सोनमार्ग है। ये देखिए ये पूरी आम का सत्यानाश कर देती है। ये जो काला आपको दिख रहा है तिल जैसा, वहां उसने डंक लगा दिया है तो वहां से बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। पकने की भी शुरुआत वहां से भी होती है और बिगड़ने की भी वहां, क्योंकि पकने के टाइम इसकी जो ऊपर की छाल होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है, इसकी वजह से उसका डंक अंदर जाता है। तो ये जहाँ पकने की शुरुआत होती है वहीं पे ही डंक लगाती है। यहाँ पे है एक और एक यहाँ पे है, बाकी यहाँ लगाया है लेकिन यहाँ पे लगा नहीं है डंक। यहाँ पे भी वैसा ही है, डंक नहीं लगा। इसके बिस्किट जो आते हैं वो लगाए थे लेकिन इस बार बिस्किट ने भी इतना काम नहीं किया है। तो शाम का वक्त है और ओम दौड़ने जा रहा है। अभी अभी आए हैं भारती, ओम, शिव और रामदेव। और भारती यहाँ तिल की लेबोरेटरी कर रही है। आ रहा है चल। और यहाँ पे शिव को मारने तेड़ा है, तेड़ मामा ने नारियल लिया है जो मामा ने मोरला बोले। हाय 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 भाई ना कर, हाय। चलो मैं जा रहा हूँ, गाय का दूध निकालना है तो वहाँ पे। राम राम। ए राम राम, मजा माँ? हाँ मामू गाने दिया। ठीक है इस तरह की ट्रेनिंग मैंने दी थी हमारी बड़ी शिवानी को, बहुत दौड़ा था मैं इसके पीछे। तो इसमें इजी ये होता है कि जब हम राइड के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं, जब ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसको सारा कुछ आ जाता है, लगाम में कैसे चलना है, किस तरह से पूरा जो डर होता है घोड़े का वो निकल जाता है। उसको लगता है कि मैं अकेला ही चल रहा हूँ, वैसे हमें पीछे चलना होता है और लात मारना भी छोड़ देता है घोड़ा, क्योंकि हम पीछे से उसको जो आवाज़ आनी होती है वो सारी आ जाती है और यूज़ हो जाता है और लगाम में भी बहुत अच्छे से आ जाता है। अभी भी इसको यहाँ पे पोर्ट बांधना पड़ेगा, पट्टा जिसको जेबबंद बोलते हैं यहाँ से, ताकि ये बहुत उसका सिर उठा ना सके। बाकी धीरे धीरे, करण रोज दिखाता ही होगा लेकिन हम आज बता रहे हैं, ये करण मेरे अंदर इंस्ट्रक्शन में ही पूरा कर रहा है और अच्छा घोड़ा रेडी होगा, लेकिन एक साल और लगेगा। हमें भी होती है प्रैक्टिस इसकी और इसके साथ साथ घोड़ा भी रेडी हो जाए। अभी करण के पापा करने वाले, दोनों का पेट तोड़ना है, इसका और करण के पापा का। उसका पेट वैसे परमानेंट है, टूटता नहीं है। देहू तेरे कोरोना में टूटा था लेकिन फिर एक महीने में कोरोना में पूरी बॉडी वापस कवर कर ली। वापस कवर कर ली। ए शिव बेहू तेरे हैं बेहू। ए बेहड़े शिव ने सोरी का बेटा को चलना इसके खून में है, वो चलेगा। और ये बेहड़ा नहीं घोड़ा मुरत में इसकी ता हूं भूख भाड़े में रवान तो ये मु बेहड़ दी तो आना आना मां से कर दी। ભારે બહુ અચ્છી ચાલ ચલતી હૈ, ચલતી થી પહેલે ભી અભી ભી,
थोड़ी पैरों में उसको तकलीफ हुई है, तो वो है लेमिनेटिस बोलते हैं जिसको, पैर की एक बीमारी। और ये चंदन और तोरी का बेटा है, सरकारी गवर्नमेंट के लिए था पोरबंदर में, तो पूरा लुक इसका है। चंदन तोरी का एक वो भी खासियत है कि तोरी जैसा घोड़ा उसको मेट करवाते हैं वैसा ही बच्चा देती है। इस बार हमने राजा से क्रॉस करवाई है, कवर है, तो होपफुली मारवाड़ी बच्ची आएगी। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा आगे जाकर, क्योंकि अभी धीरे धीरे लुक में आ रहा है। अभी एक साल नहीं हुआ, 10 महीने अराउंड, 8 महीने हुए। ये तो भी बेगन बेगन चली है ना, हां गाल में क्यों देखो खाइए। बोले हली बोले के सारे आर्मी की छापे मारी इमरान खान के घर से, कई आतंकवादियों के घर से दावा किया। हल 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 सब के बीच इमरान पर आर्मी अटके गए, वो कर पर चलाने की तैयारी जो पाकिस्तान के पीछे उस इलाके से। हल हल बैलेंस नहीं तेरे तुम अजी सरकार काम देखी वगैरह के पी के लीला। हल 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 अपने मन में ठीक हो गया क्या कपड़े को काट रही थी ये तो मत लो हो गई ये मैंने बट को पर है ये जो है पकड़ वागड़े।